हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ शेक्स वर्ल्ड। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कटहल लिया है, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर दो प्याज, छोटा सा अदरक और एक छोटा सा लहसुन। अब हम क्या करेंगे, अदरक और लहसुन को अच्छे से छील लेंगे और उसको ग्राइंडर में डाल करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कटहल में से सारा पानी अच्छे से हटा लेना है। उसके बाद जो हमने दो प्याज रखे थे उसको काट करके इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटहल के अंदर सारे मसाले डालेंगे। मसाले में हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, और यहाँ पर हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब हम क्या करेंगे, इसी कटहल के अंदर हम क्या करेंगे, 100 ग्राम इसके अंदर सरसों तेल डालेंगे। उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमारा कटहल जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक तेज़ पत्ता डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये हमारा अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद जो हमने कटहल का मिक्सचर बनाया ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। कटहल डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस कटहल के अंदर स्वाद अनुसार इसके अंदर हम नमक डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमें क्या करना है, जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे। हाँ, अब हमारा जो प्याज है ना वो गलना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर देंगे और इसको दोबारा मिक्स करेंगे 5 मिनट के बाद, और इसको हम ढक करके छोड़ देंगे। अब कटहल में से आप देख रहे होगे यहाँ पे तेल निकलना शुरू हो गया, यानी कि हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल पकना शुरू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से फ्राई करना है और इसको ढक करके छोड़ देना है तब तक जब तक हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाता है। यहाँ देखो, अब हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और यहाँ पर तेल निकलना भी शुरू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर गरम मसाला डालना है हमें। अब हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे, और जिस पतीले में हमने कटहल डाला था ना, मिक्स किया था, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, पानी अपना गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा ना, हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कुकर का ढक्कन लगा करके हमें इसको हाई फ्लेम पर 1 सीटी और उसके बाद लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 सीटी लगाना है। यहाँ अब हमारा कटहल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ आराम से सर्व करके खा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर देना है। अगर आपको मेरा ये कटहल का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। टिल देन, बाय बाय।